राम राम सभी को, मेरा प्रणाम। कैसे हो मेरे सारे भाई? गुड मॉर्निंग। और आज हम जा रहे हैं लेक ताहो। दीदी रेडी है? हेलो दीदी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हो आप? खुश रहो, भाऊ आएगी जल्दी से। चलो नाइस, पांचवें दिन का आशीर्वाद लगातार लेते हुए। नियम बाबू जी, कैसे हो आप? हाय, गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग। लव यू बेटा। और अब हम निकलने वाले हैं। आज मैं आपको दीदी को बनाए हुए ब्रेकफास्ट नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि हम हो चुके लेट। जी जो हमारा गाड़ी में बैठ के इंतजार कर रहे हैं, और सबसे पहले मैं तैयार हो जाता हूँ ऐसा मुझे लगता है। पर आज ये लोग हो गए हैं, सब रेडी हैं, और हम जा रहे हैं लेक ताहो। बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह है, यहाँ से 2 घंटे या 3 घंटे की ड्राइव पे है, वो गाड़ी में बैठ के पता चलेगा। तो आज कुछ आपको नया दिखाते हैं, बने रहिए ब्लॉग में। हाँ भाई हीरो, क्या खा रहा है? क्या खा रहा है दीदी? मेडिसिन। ओके ओके, ओके चलो चलते हैं। पीटर का खाना पानी चेक करो, झंडू वाला डाल लेते हैं। दीदी हम तो रात तक आएंगे ना? यस आज हम बहुत लेट आएंगे मेरे ख्याल से, मैं मेडिसिन वगैरह डाल दूं। देखो भाई, आपको पता है मेरा ब्लॉग बनाने का काम नहीं है ना, मुझ पे आता था, पर मनीषा दीदी ने मेरा तेरा साथ दिया है ना। हाँ, कि दिल खुश हो गया। हम दोनों साथ मिलकर बना रहे हैं, हमें आता नहीं है कुछ भी, पर हम बना रहे हैं। लेकिन लग कैसे रहे आपको एकदम ब्रो सिस, तो बताते रहे ना। देखो इसका जो नाम है ना, वो रखा इसलिए गया था कि ब्रो और सिस, तो ब्रो सिस लग कैसे रहे वो कमेंट में जरूर बताओ, ठीक है? जरूर। तो भाई साहब रिकॉर्ड तोड़ दिया लौंडे ने, बहुत बढ़िया। 2-4 लाख के तो तुझ पे खिलौने हैं ही कम से कम, है ना? नियम नो बेबी। बहुत बढ़िया लौंडे। दीदी पागल हो गया बिल्कुल, लौंडे एक नंबर का। नियम लग जाएगी तेरे। बाय नियम। हेलो पीटर, सुबह की नमस्कार, कैसे हो मेरे छोटे cute, भाई? Cute baby, I'm not cute. You're not cute? Yeah, I'm babies are cute. Okay. You are a big boy? Yes. Oh really? Cute baby. Oh Neem, really you are a big boy? Yeah, cute. But you looking like a peanut. But Pew's a baby, Pew's cute. आ भाई जूते किधर है तेरे? कबाड़ी? चलो जी यू रेडी। नियम यू आर लुकिंग सो हैंडसम। तो मुझे बार बार ऐसा लगता है कि मैं उधर जाके बैठूं, फिर पता चलता है कि ये इस साइड खाली है मेरी सीट। जल्दी आ जाओ, जल्दी लेट करवाती रहती हूँ हमेशा। हाँ, मैं एक तो लेट करवाती हूँ। चलो तो हम घर से निकल गए हैं और शुभारंभ करते हैं। हर हर महादेव। जी जो हम कितने किलोमीटर दूर जा रहे हैं? 175 माइल। मतलब 250 किलोमीटर दूर। क्या बात है, पानी देखेंगे सर्फिंग वहाँ पे, वो सैंड बीच है, बैठेंगे थोड़ी देर। पर एक चीज़ है दीदी, जितने किलोमीटर ये दूर है ना, 250 किलोमीटर दूर, उतनी आपने तैयारी होने नहीं दी, उतनी तैयारी नहीं करने दी आपने। जैसे इंडिया के लोग 250 किलोमीटर दूर जाते हैं ना, मसूरी या नैनीताल की तरफ, तो जो एक पैकिंग होती है वो न्यू है ना, ये तो एकदम ऐसा लगा कि जैसे घर से थोड़ी सी दूर जा रहे हैं और बस निकल गए। 200 माइल मैनेजेबल डिस्टेंस है। रास्ते अच्छे हैं शायद इस वजह से, और जीजा जी ने कटवाई है। नहीं कटेंगे, क्या बात है, देख रहे हम दोनों लग रहे थोड़े गैलम गैल जैसे। तो मेरे तो देखो यूएस में फ्रेंड दोस्त यार सब यही हो रखे। What happened, Niam? Come on, let me show you. You missing your old home, Niam? Yeah, but we went so far away to our new home. No, that's fine. If you want to go, we can take you. You want to go to your new home? Or sorry, your old home? New home. You want to go to your old home? No. Why not? कितने अच्छे बादल हो रखे हैं, ये देखो ना तुम, बादल कितने अच्छे हो रखे हैं आज। ये टेस्ला का प्लांट है, क्या बात। What name?
यस कमिंग बेटा आऊंगा। ये है मनीषा देख, ये ब्रांड पहन के आता है तो लोगों को लगता है कि इसको बहुत दिमाग है। हाँ जी, तो 250 किलोमीटर की ड्राइव पूरी करके हम पहुंचने वाले हैं कौन सी जगह जीजू? लेक टहो। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो और अगर कभी आने का मौका मिले तो जरूर आना। बहुत ही सुंदर नजारे हैं, लगातार आप देख रहे होंगे बैक सीन में। और दीदी आपको बढ़िया लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, इधर दिखा व्यूअर्स को। अभी दिखाऊंगा सब धीरे धीरे। यार क्या हुआ कि मैं ना बात करते करते सो गया था। रात में मैं आप सबके लिए ब्लॉग एडिट करता हूँ ना, इसलिए यहाँ पे अकेला तो इसलिए मैं सो नहीं पाया था। आते आते मैं गाड़ी में सो गया। अभी अभी मुझे जगाया कि हम पहाड़ पे पहुंच चुके हैं, हमारी एंट्री हो चुकी है। तो अभी हमें पहुंचने में करीब एक घंटा है, 50 किलोमीटर बच रहे हैं। फिर दिखाऊंगा आपको यहाँ का नैनीताल, अमेरिका का नैनीताल दिखाऊंगा मैं आपको। हाँ दीदी, मुझे बिल्कुल फील आ रही है ना, ऐसे ही पहाड़ है। और मैंने उसको गूगल पे मैंने उसकी फोटो देखी थी तो यही वाली फील आ रही थी कि जैसे नैनीताल जैसी कोई जगह हो। तो मैं आपको भीमताल, तल्लीताल, नैनीताल ये सब दिखाने वाला हूँ। बस एक घंटे के अंदर पहुँच रहे हैं, तब तक आप सफर का मजा लो। ये देखो जी जो, ये बताओ ये पेड़ जल गए हैं क्या आधे? हाँ, फायर डैमेज है। तो ये कुछ कुछ जले हैं, बीच में कुछ नहीं जले, ऐसे क्या चक्कर है? दीदी ऐसे पेड़ हैं तो वहाँ पे भी नैनीताल की तरफ, उनमें तो आग आग नहीं लगती। उन्हें ये लगता है कि बाकी मनीषा प्रगति ये तो बिल्कुल इन्हें तो यस बेबी पूरे शहर के शहर खाली करा दिए जाते हैं। नहीं तो कैलिफोर्निया के सारे जंगलों में आग लगती रहती है। ये देखो सारे ऐसे लग रहे जैसे जले पड़े हों, पर क्यों, वजह क्या है इनकी? कितने कितने किलोमीटर में? हाँ 150 किलोमीटर के जंगलों में आग लगती है। अरे यार दीदी, तभी मुझे न्यूज पे आता रहता है कि कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग। तो यहाँ ये चीज की दीदी बस वही है ना, देखो कहीं किसी चीज का सुख है फिर परेशानियां भी हैं। मुझे तो लग रहा है पूरे के पूरे पहाड़ जैसे जले पड़े हों दोनों तरफ। और ये मुझे लग, हाँ हाँ इंडिया तक भी न्यूज आ रही थी, मतलब 500 माइल स्क्वायर एरिया तो बहुत ही पूरा जल गया था। हम भी आए हुए हैं पिकनिक पे, पर हमारे पास मुझे लगता है टाइम की थोड़ी सी कमी है, हम लेट पहुंचेंगे। उसके बाद हमें घर भी निकलना क्योंकि हम रुक नहीं सकते, हमारे साथ में नियम भी है। और ठीक है, देखते हैं वहाँ पहुँचते पहुँचते रात ना हो जाए और बारिश ना हो रही हो, वरना मैं आपको फोटो और वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा यार। हाय निया, I'm sick. You sick? Huh? And your tummy is hungry. No, my tummy is sick. Your tummy is sick too? No. Because you're not giving food to your tummy. No. And where are we going, Nini? Mama namaste kar de bada bada. Kar de niya, mama namaste. बहुत बढ़िया देसी जी। जो आपको इस चीज का आइडिया किसने दिया था कि आप मुझे यहाँ घुमाने लाओ? मुझे पूछा मैंने कि कहाँ चल रहा है, तुमने कहीं नहीं जाना, पहले प्लान है यहाँ चलने का। हाँ हाँ, घर में रहेंगे हमने की टाइम खराब करने अच्छा तो कुछ। क्या व्यू है दीदी, हाँ जी। तो हम पहुंच गए लेक तहो, बड़ा ही सुंदर नज़ारा। पर एक चीज़ तो, मेरी इतनी प्यारी बहन है, घर पे तो खाना बनाती बनाती है, पर इसका एक काम और है कि मृदुल की फोटो खींचना। मेरी इंस्टाग्राम पे जितनी फोटो आ रही है ना, सब इसी की दया है। सब एक्चुअली सब बहुत सारा पेमेंट ये मल्टी टास्किंग लड़की रहे है भाई, बहुत मल्टी टैलेंटेड लड़की है। मेरे सारे काम आज के लिए ही कर रही है। yes. मेरे दोस्तों के, मेरी मम्मा के, मेरी मम्मी के, मेरी दादी के, सबके काम ही कर रही है। मेरे काम वाली, मेरे ऑफिस बॉय, सब बनी हुई है ये लड़की। नाइस दीदी, आई मिस यू सो मच। ऑल इन वन भाई, ऑल इन वन। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही ज्यादा प्यारी। आपको मैंने जीवन में तेरे से ऐसा थोड़ी ना मुझे कोई चाहिए बड़ा, बस दाम मर्दूल में हाफ पार्टनरशिप। To South Lake Tahoe, and then you go on the 50. The same way, right? Well, the way I came in. Kind of the same way. Yeah, the way you came in. Yeah. Okay. Thank you. Okay. So thank you, guys. There's plenty of parking. Okay. Okay. Thank you. सैंडियागो चलते हैं। ये होती है तमीज किसी से बात करने की, जैसे वो उन सिक्योरिटी वाले अंकलों ने हमसे बात करी। क्या तरीका था यार, दिल खुश हो जाता है ऐसे लोगों से बात करके। 5 मिनट है ना, दिल खुश। अब जो नजारा आएगा ना, वो तो अमेजिंग अमेजिंग। ये तुम्हारा बच्चा ही है। ए भगवान मेरी दीदी, ए भगवान मेरी दीदी को इतनी अकल दे, अपने बच्चे के साथ बच्चों की बुराई कर रही है। ये है यहाँ का व्यू, क्या बात है। नाइस,
इतनी शांति सुकून की जगह, अमेजिंग। कैसा लग रहा दीदी? कैसा लग रहा है ना? जीजू ने बहुत अच्छा काम करा कि हमें ले आए। हम दोनों लोग पूरे दिन सुबह से उन्हें कह रहे थे कि क्यों ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अब आके पता चला है कि हमने, हम कह रहे हैं उनसे नमस्ते ही, प्रणाम। क्या हो गया बेबी? व्हाट हैपेंड नियम? बेहतरीन नजारा, और यहाँ पे आना बिल्कुल वर्थ इट हुआ। आपको कैसी लग रही है ये जगह बताना, और इसका जो एड्रेस वगैरह है वो मैं आपको बता दूंगा, मेरे इंस्टाग्राम के पोस्टों पे मिल जाएगा कि ये कौन सी जगह है। अगर कभी आप लोग भी यूएस में रहते हो या फिर यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो ज़रूर आना। मैं सच बताऊँ तो आने के बाद आपका एक्सपीरियंस ही अलग होगा, आप हर जगह की चीज़ें भूल जाओगे। ये जो लेक है, अमेजिंग। ओके नियम, लेट्स गो टू होम। यस, यू लुकिंग सो गुड। हमारे पिछले तीनों दिनों की तीनों जो जगह थी वो सारी बहुत अच्छी रही। एक तो हनुमान मंदिर, दूसरा सेंटा क्रूज बीच, और तीसरा आज द होल लेक। तो जीजाजी बिल्कुल सही जगह ढूंढ लेते हैं हमारे लिए हर दिन एक, और हम घूमने आ जाते हैं। और अब जिसे जब आप ये देख रहे हो तब मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों में आपको दिखाएंगे हम नज़ारे। पहाड़ बहुत दिखा दिए, अब आपको दिखाएंगे, अब आपको दिखाएंगे रंगीली दुनिया। थैंक यू। Okay, guys. Have a good night. Thank you. It was awesome. And how about those cabins and all? Is that... Now, those are on the other side at Meeks Bay Resort. Meeks Bay Resort, yeah. Place. Yeah. And okay. On the other side? Yeah. They have the cabins and they also have big RV sites also. Oh, got it. Thank you. Okay, guys. Everyone. जीजू पर उसने कुछ भी बोला हो, पर वो जितनी देर बोला है ना, मुझे नजारे से भी अच्छा वो उसका बोलना बोलने लगा कि उसके चेहरे में स्माइल है। बहुत प्यार से बात करते हैं यार, ये चीज सबसे अच्छी है। दीदी पता है एक चीज और बताऊं जो मुझे इतनी देर में देखी, आज मैं दिन में बाहर खड़ा था ना घर के, जब वैसे कॉल वॉल पे बात करने गया था, तब एक चीज थी कि मैं जितनी भी देर खड़ा रहा, चाहे कोई छोटा बच्चा निकला हो चाहे कोई बड़ा निकला हो, सबने अपने आप मुझसे हाय बोला या फिर देख के स्माइल पास करी। तो उससे कि यार अपना एक पॉजिटिव वाइब छोड़ रहे हो तो हर इंसान की तरफ अपनी। हमारे यहाँ चला गया आदमी उठ के, अरे कहाँ है ये आदत नहीं होनी चाहिए। What happened, Niam? Mama, I don't want to go to any more places. I'm so tired. Then where do you want to go? Home. You want to go to school? Home. You want to go to school? No. Why not? I want to go home. I think you should go to school. No, I don't. School is over. घर की तरफ रवाना होते हुए कुछ और था वो जगह। चलो जी बहुत बढ़िया, आपका टोटा चलाने का काम हो जाएगा कि कुछ दिन हमें टोटा चलाना। At the roundabout, take the second exit onto West Santa Clara Drive. Then the destination is on your left. खुल जा सिम से। कई दिनों से हम लोग रोज इसे ऐसे खोल देते हैं ना, इसी टाइम पे आके हम घर आ गए बेबी। लव यू बेटे। दीदी थकान हो गई? नहीं भैया, बिल्कुल थकान नहीं हुई यार। नहीं हो गई थोड़ी मैं रोबोट हूँ, मेरे को थकान नहीं होती। बहुत बढ़िया दोस्त, हम आ चुके हैं घर और अब बारी है सिर्फ सोने की, और कुछ नहीं बचा पूरे दिन में दिखाने के लिए। तो हम जा रहे हैं सोने, बहुत लेट हो चुके हैं, रात के बज के 11:30। आप लोग भी सो जाओ और जल्दी मिलेंगे जीवन के किसी अगले दिन में नई चीज़ों के साथ। जल्दी मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखें। राम राम जी।